رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وقال تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला ने बंदों के लिए दो निज़ाम कायम फरमाए, एक तकवीनी निज़ाम एक तशरीही निज़ाम। ये मज़मून ज़रा सुबह शुरू से सुनना, इसलिए सुकून से इत्मीनान से बैठ जाओ, बेखराजी से मत रहो। गर्मी का मौसम है, पंखे चल रहे हैं, हम भी जितनी सहूलतें कर सके किए हैं, बाकी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह से दुआ मांग कर बैठे हैं कि अल्लाह शुरू से आखिर तक सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, अमल के जज्बे के साथ और अच्छे इरादों के साथ अल्लाह ताला हमें कबूल फरमा। कुर्बानियाँ देकर दूर दराज से मुजाहिदों के साथ, जाने वाली कुर्बानियों के साथ यहाँ आते हैं, आना मुबारक हो, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। उसी तरीके से जैसे आते हैं अल्लाह पहुँचाते हैं, जितना ज़्यादा हो सके हम यहाँ से फ़ायदा लेकर जाएं, अपने लिए भी अपने घर वालों के लिए भी। असल रूहानी ईमानी उखरवी जो सरमाया है वो लेकर जाना है। जाते समय को मीठे लग जाते हैं, टोपियाँ लग जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब यहाँ आ जाते हैं तो पूरी एक सुई के साथ वो यहाँ रहें, यहाँ रहते हुए बाहर ना जाएं, न जिस्मानी एतबार से न दिलो दिमाग के एतबार से। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। बात इस तरह शुरू हुई कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए दो निज़ाम कायम फरमाए, एक तकवीनी निज़ाम एक तशरीही निज़ाम। तकवीनी निज़ाम वो निज़ाम जो अल्लाह के हुक्म से चलता, अल्लाह कुन बोले वो हो जाता। तो अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें अपनी कुदरत से बनाई, तो वो कुदरतुल्लाह है, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने वो निज़ाम कायम फरमाया। और एक है तशरीही निज़ाम, शरीयत का, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के अवामिर, यानी कर्म, जिन कामों के करने का हुक्म है, अल्लाह के नवाही, जिन कामों से मना किया गया है, तो हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, वाजिब फ़र्ज वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं, ये तशरीही निज़ाम है।
तो अल्लाह जल्ले जलालुहु मिन वालुहु ने दोनों निदान कायम फरमाए। तशरीही निदान में अल्लाह ताला ने बंदों के लिए जहां दूसरी चीजों का इंतजाम फरमाया, इंसान को पैदा करके उसके खाने, उसके ठिकाने, उसके रहने सहने, बूथ बाश वगैरह का जो इंतजाम है, उससे पहले अल्लाह ताला ने उसके लिए दूसरा इंतजाम जो अहम है वो फरमा दिया। वो क्या है? इंसान की रहबरी, इंसान की रहनुमाई, इंसान को सीधा रास्ता बताना, इंसान को अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी मालूम कराना और अंजाम कार के तौर पर इंसान को जन्नत तक पहुंचाना, ये जो रास्ता, इसका इंतजाम अल्लाह ताला ने पहले फरमाया। वो कैसे है? अल्लाह जल्ले जलालुहु मिन वालुहु ने पहले ही इंसान को पहला नबी बनाया, तो ये सबसे पहला इंतजाम था। ये सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उन्हीं को अल्लाह जल्ले जलालुहु ने सबसे पहले पैगंबर, सबसे पहला नबी बनाया। क्यों? इसलिए कि उनसे पहले अगर एक भी इंसान होता तो उसे ये कहने का मौका मिलता कि अल्लाह मुझे कोई रास्ता बताने वाला नहीं आया, अगर मुझे भी बताकर होता तो मैं भी सीधे रास्ते पे चलता, तो किसी को भी उज़्र माज़रत थी कि नौबत ना आए। इसीलिए अल्लाह जल्ले जलालुहु मिन वालुहु ने सबसे पहले इंसानी को सबसे पहला नबी बनाया। तो ये जो हिदायत का सबसे पहला इंतज़ाम था, इंसान की रहबरी, इंसान की रहनुमाई, इसका इंतज़ाम कर। ऐसे ही हिदायत का जो मरकज़ है, हिदायत का जो घर है, काबतुल्ला, इन्ना अव्वल बैतिन उज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक व हुदन लिल्आलमीन, सबसे पहला घर भी हिदायत वाला घर बनाया। तो ये भी कि इंसानियत कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, कितनी भी फैले, लेकिन उसके लिए मरकज़ हिदायत ये है, उसे यहाँ से रूहानी ईमानी जी पावर लेना है, उसका इंतजाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले फरमाया। यहाँ तक एक बात समझ में आई? और अल्लाह जल्ले जलालुहु मिन वालुहु ने अपने बरगुजीदा बंदों, चुनीदा, चीदा, मुजतबा, मुतवा, मुंतखब बंदों में से जिनको नबी अल्लाह ने बनाया, उनके जरिए से जो दीन और शरीयत की तालीम इंसानों को अल्लाह ने अता फरमाई, और सबसे आखिरी नबी खातमुन नबियीन वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की कुछ निशानियां, दीन की कुछ अलामतें भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बता दी। निशानी को देखकर, अलामत को देखकर इंसान किसी भी चीज को पहचानता है, ये एक हकीकत है। निशानी के जरिए से एक चीज को मालूम किया जाता है। हम चूंकि शहरों में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं मालूम होती, जो जंगल बयाबान में रहते हैं, रेगिस्तानों में रहते हैं, दरियाओं का सफ़र करते हैं, उनको निशानियों से बहुत सारी चीज़ों की रहबरी मिलती है। मिसाल के तौर पर कहीं दूर परिंदे उड़ रहे हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि वहाँ पानी है, तो इसीलिए दूसरी मखलूक चरिंद परिंद वगैरह वहाँ आ रही हैं, इसे अंदाज़ा लगाते हैं। इसी तरीके से समंदरी सफ़र करते हैं तो सितारों के जरिए से रास्ता मालूम करते हैं। वह बिन नजम हम यहतदून, अल्लाह फरमाते हैं कि सितारों से ये रास्ता पाते हैं, तो रास्ते मालूम होते हैं।
तो इस तरीके से अल्लाह जल्ल जलालुहु व नुवालुहु ने अपने दीन की कुछ निशानियां, कुछ अलामतें, कुछ सिंबल्स अल्लाह ने बता दी, जिनको शाइरुल्लाह कहते हैं। शाइरा अरबी में निशानी को कहते हैं, अलामत को कहते हैं, उसकी जमा है शाइर। ऐसे ही कुछ दीन की मुहतरम चीज़ें, काबिल एहतराम चीज़ें, हुरुमात, काबिल एहतराम चीज़ें। एक तो हराम का माना हम हराम समझते, नाजायज। अरबी में हराम के माने, जैसे मुहर्रमुल हराम बोलते हैं, तो एहतराम का माना है। और हराम को हराम इसीलिए बोलते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह का आर्डर है, उसका एहतराम करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उस काम को नहीं करना चाहिए। उसको करेंगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, सख्त नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए उस आर्डर को कबूल करना चाहिए। तो काबिल एहतराम चीज़ें हुरुमात अल्लाह जो हैं, अल्लाह फरमाते हैं वो मैं युअज़्ज़िम हुरुमात अल्लाह, जो अल्लाह ताला की हुरमत की चीज़ें, अदब की चीज़ें, उनकी ताज़िम करें, फ़हुवा खैरुन लहू इंदा रब्बी, तो ये किसी और के लिए नहीं, उसी के लिए बेहतर है उसके रब की तरफ से। और एक जगह फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, जो अल्लाह ताला के दीन की निशानियों की ताज़ीम करे, तो जो अल्लाह की दीन की निशानियों की ताज़ीम कर रहा है वो कौन है, कौन ऐसा करता है, फ़इन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब, अल्लाह के जी अहकाम, उसकी खशियत, उसका डर जिनके दिलों में होता है, वैसे बंदे ही अल्लाह के शाइर की ताज़ीम करते हैं। जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है, पासदारी होती है, दिलों में अल्लाह के अहकाम की हिफाजत का जज्बा होता है, तो ऐसे लोग अल्लाह ताला के निशानियों की हिफाजत करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। तो दिल में तक्वा है, अल्लाह का खौफ है, खौफ खुदा है, तो ऐसे बंदे इनका लिहाज रखते हैं। अल्लाह के दीन की निशानियां क्या हैं? अजान है, कुरान है, माह रमजान है, अल्लाह के घर बुयूतुल्लाह मस्जिदें हैं, जितनी इबादतें हैं, जितने अहकाम हैं, ये सब शाइरुल्लाह में दाखिल है। तो इन सब का लिहाज रखना, इन सब का एहतराम करना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। देखो दो बातें हैं, एक इंसान अमल ना करे बुरी बात है, ये उसका अमल है, लेकिन एक अल्लाह के दीन की निशानियों की बेइज्जती करे, बेहुरमती करे, ये बहुत बुरी बात है, इससे दीन से खारिज हो जाने, दीन से निकल जाने का अंदेशा, ये बगावत है, अल्लाह ताला के खिलाफ सरकशी है, बगावत है, तो बेअदबी बहुत बुरी चीज़ है। आजकल माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि इन चीज़ों की अजमतें ख़त्म की जा रही हैं। कुछ अरसे पहले तक भी इंसान ईमान वाला इन सब चीज़ों की इज्जत करता था, एहतराम करता था। अजान हुए, अजान होती है तो कोई सर पे कपड़ा डाल रहा है, कोई सर पे हाथ रख रहा है, इसी तरीके से ऐसे वैसे काम में हो तो उससे वो बाज आ जाता है, बीड़ी पी रहा हो तो फौरन रुक जाता था, ऐसी वैसी बातें कर रहा हो तो जुबान बंद कर लेता था, हत्ता कि मस्जिद से गुजरना पड़े तो डर कर गुजरता था। गैर भी बाजे बजोटी बजाते हुए जाते, मस्जिद आते तो वहां तक वो खामोश हो जाते, उसके बाद आगे बढ़ते तो फिर शुरू करते, इस तरह की चीजें थी। लेकिन अब अल्लाह बचाए ये सब चीजें खत्म होती जा रही, ये बहुत डरने की बात है। दिलों से इज्जत एहतराम खत्म हो रहा, यानी नाफरमानी का एहसास खत्म हो रहा, एहसास बहुत बड़ी बात है। इंसान को अपनी गलती का एहसास हो
वो बंदा तौबा करेगा, अल्लाह की तरफ रुजू करेगा, अल्लाह से माफी मांगेगा। लेकिन जिसे एहसास ही ना हो वो माफी क्यों मांगे? वो ये समझ ही नहीं रहा है कि मुझसे गलती हो रही है, तो ये बहुत बुरी बात है। तो इसलिए सबसे पहले अल्लाह ताला की जो दीन की निशानियां हैं उनका एहतराम दिलों में होना, उनकी ताजीम होना, और उनकी ताजीम जिस तरीके से होनी है उस तरीके से होना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अब धीरे 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 ये चीजें खत्म होती जा रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस, उसका अपना एक एहतराम। सूरह हुजरात की शुरू की आयतें देखिए, जोर जोर से बातें ना करो, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करो, और जो लोग अपनी आवाज को दबाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, अपनी आवाज को पस्त करते हैं, इन्नल्लज़ीना यगुज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा, अल्लाहु अकबर। जो लोग अपनी आवाजों को पस्त करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, आपके एहतराम में, ये वो हजरात हैं कि अल्लाह ताला ने जिनके दिलों को तकवे के लिए मुंतखब किया है, चुना है। अल्लाह क्या मकाम है उनका। तो हजरत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने चुना, उनके दिलों में तकवे का आला दर्जा था, खिलाफ तकवा कोई काम नहीं करते थे। जब यह आयत नाजिल हुई तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबा थे, आहिस्ता बोलने लगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत थे, दबदबे वाली, रोग वाली, ने आहिस्ता बोलने लगे कि कभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहबारा पूछना पड़ता था, इतना डर गए वो। अपनी जात के लिहाज से बहादुर थे लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के आगे इतना डरने वाले थे। तो ये वो हजरात हैं अल्लाह ताला ने जिनके दिलों को तकवे के लिए चुना, मुंतखब फरमाया, आजमाया, फरमाया लहु मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत की बशारत भी है और बड़े अजर का वादा भी है अल्लाह की तरफ से। इस आयत के तहत तफासिर में एक रिवायत पेश की गई, फरमाया ला यबलुगुल अब्द यकून मिन अल-मुत्तकीन, कि बंदा मुत्तकीन के दर्जे तक उस वक्त मैं नहीं पहुंच सकता, हत्ता यदा माला बासा बिही हजरन लिमा बिही बासु, ऐसी चीज जिसमें कोई हरज नहीं, जिसके सिलसिले में कोई मना नहीं, लेकिन ऐसी भी चीज को वो तरक करता है कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से मैं मना करता चीज में पड़ जाऊं। जिसको और आसान अंदाज में समझाया जाए तो शक शुबे वाली चीज को भी नहीं करते कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हम मना करता चीजों में मुब्तला हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देकर इस बात को समझाया, फरमाया अला लिकुल्ली मलिकिन हिमल हिमा व हिमल्लाहि महारिमु, हर बादशाह की एक शाही चरागाह होती है, उसके जानवरों के चरने की जगह होती है, तो वहां वो उसके जानवर ही चरेंगे, दूसरों के जानवरों को वहां चराने लाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जानवर तो जानवर होता है। अब वो चरते 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 शाही चरागाह के अंदर दाखिल हो जाता है, तो अब क्या होता है, उस जानवर को भी पकड़ा जाता है, उसके मालिक को भी पकड़ा जाता है और उस पर जुर्माना आयद किया जाता है या कैदोबंद की सजा दी जाती है, जो भी हो। इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल से समझा रहे हैं कि अल हलालु बैयिनुन वल हरामु बैयिनुन व बैनहुमा मुस्तबिहात, हलाल करदा चीजें अल्लाह की तरफ से वो भी वादे हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम व लहमुल खिंज़ीर, मुर्दार हराम है, खून हराम है,
खिंजीर का गोश्त हराम है। खुदी मत अलैकुम महातुकुम व बनातुकुम, तुम्हारी माँ बेटियाँ तुम पे हराम हैं वगैरह वगैरह। और इधर हलाल चीज़ें क्या हैं वो भी अल्लाह ने बयान फरमा दी, उहिल्ला लकुम मुत्तगीबा, पाक चीज़ें हलाल हैं वगैरह वगैरह। फरमाया दोनों के दरमियान में कुछ शुबे वाली चीज़ें, तो अल्लाह के नेक बंदे उसे भी छोड़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसके जरिए से मना करता चीज़ों में मुबतला हो जाए। तो ऐसे बंदे हैं जो ऐसी चीज जिसकी इजाजत है, कोई हरज नहीं है, लेकिन उसको भी छोड़ते, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से मना करता चीज में मुबतला ना हो जाए। इसको समझने के लिए बोल रहा हूं, कुछ भी आजकल जरूरत ना हो तो मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, यही बात है खुलासा इसका। बेजरूरत करेंगे कुछ ना कुछ फंसेंगे, कहीं ना कहीं फंसेंगे, अटकेंगे। जरूरत है काम करना है कीजिए, मैसेज भेजना है भेजिए, कुछ देखना है देखिए, वरना बेजरूरत उसको उठाएंगे कहीं ना कहीं हाथ पड़ेगा, कुछ ना कुछ खुलेगा, फिर मुसीबत सर पे पड़ेगी। ये इतनी बात है आज के जमाने में आसानी से समझने के लिए बस। तो अल्लाह के बंदे जिनके दिलों में तक्वे की कैफियत है वो ऐसी चीजों से भी बचते हैं। तो ऐसे हजरात हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने मुंतखब किया है। तो बुजुर्गों, शायरुल्लाह का एहतराम बहुत जरूरी है, अल्लाह के दीन की निशानी। इसीलिए अल्लाह के घरों का खास एहतराम है, उसका खास मकाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा, ऐसे घरों के बारे में कि अल्लाह खुद जो है उनकी इज्जत बढ़ाने का हुक्म देते हैं कि इन घरों की इज्जत ताजीम की जाए, उनकी इज्जत को बढ़ाया जाए, उनका एहतराम किया जाए। क्यों? इनको अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया। अल्लाह के घर वनल मसाजिदा लिल्ला फरमाया कि मस्जिदें अल्लाह के लिए, तो ये अल्लाह के घर हैं, इनको बुयूतुल्लाह कहा जा रहा है। जो चीज जितनी बड़ी हस्ती की तरफ मंसूब होती है उसका मकाम भी उतना ही बड़ा होता है। तो निस्बत के लिहाज से अल्लाह के घर, और उसमें भी काबतुल्लाह सबसे पहले अल्लाह का घर, हिदायत का घर, और हिदायत की अलामतों और निशानियों का घर, ऐसा घर उसका एहतराम उस दर्जे होना चाहिए। अब अगर उसकी बेहतरामी होती है तो आलमी तौर पर उसकी सजा उम्मत को भुगतनी पड़ती है। अल्लाह, ये डरने का मकाम है। आज आलमी एतबार से उम्मत मुस्लिमा परेशान हाल है, तो वजह क्या है? फरमाया ला तज़ालु हाज़िही उम्मत बी खैरिन, ये उम्मत खैर पर रहेगी, मा अज़्ज़मू हाज़िही हुरमता हक़ तअज़ीमिहा, जब तक वो इस इज्जत व अजमत वाले घर की ताजीम उस तरीके से करे जिस तरीके से उसका हक है, तब तक ये उम्मत खैर पर रहेगी। फैजा ज़ैयऊ हलक, फरमाया जब ये उसकी इज्जत को जाया करेंगे, उसके एहतराम को खत्म करेंगे, तो ये उम्मत जाया हो जाएगी, हलाक हो जाएगी। अल्लाह ताला की बात है, आज आलमी एतबार से इसका नजारा देख रहे हैं, मस्जिद हराम हो, मस्जिद नबी हो। ला तरफो अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, की फरमाया जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करो। रोजे अक्दस पे जाके देखो अल्लाह ऊपर कितना शोर शराबा होता है, कितनी आवाजें बुलंद होती हैं, किस तरीके से वहां पर बेहतरामी होती है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहे कि उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जहां तस्वीर हो, वही तस्वीर कशी हो रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अक्दस के सामने खड़े होकर ये बुरी हरकत वहां हो रही है। थोड़ी देर पहले हम सोचें कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी दिली तकलीफ दे रहे, एहसास तक नहीं है, वहां खड़े होकर पोज ले रहे हैं, वहां खड़े होकर तुम्हें मुझे पकड़ो, मैं तुम ना पकड़ रहा हूं। अल्लाह अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से इस मंजर को देखें तो क्या गुजरेगा उन पर? जबकि हमारा यह अकीदा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में हयात है, ये बिल्कुल अटल हकीकत है अहले सुन्नत व जमात। दुरूद शरीफ के बारे में हदीस में है, उन सल्लल्लाहु अलैहि
இந்த கபுரி சமயத்து ஒமன் செல்ல அலையா நாயன் உபலிப்து जो दूर रहकर मुझ पे दरूद भेजता है वो दरूद मुझ पे पहुंचाया है, और जो मेरी कब्र पे आके दरूद भेजता है तो मैं उसे सुनता हूं। अल्लाह, ये हदीस में है। अब वहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ऐसी बेहुर्मती हो रही हो तो फिर क्या हाल रहेगा? तो बुजुर्गों, ये सब बहुत डरने की चीजें हैं। तो इसलिए आज हमें सबसे पहले शायर इस्लाम की हिफाजत, उनका एहतराम, उनकी ताजीम, उनकी इज्जत, उनकी अजमत की हमें सबसे पहले हमें फिक्र करने की जरूरत है। गैरों का हम क्या रोना रोएं, गैर ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका हम जायजा लें। तो इसलिए शायर इस्लाम का बहुत एहतराम होना चाहिए। हर चीज शायर जिसमें अल्लाह की बंदगी हो, इबादत हो, इत्तिबा हो, पैरवी हो, उनसे मुताल्लिक जितनी भी चीजें हैं ये सब शायर में दाखिल होते हैं, तो इनका एहतराम बहुत जरूरी है। इसमें खास तौर से आज मसाजिद एक उनवान बने हुए हैं। इसलिए बुजुर्गों, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद अल्लाह के घरों की हिफाजत करने वाले बने, उनकी इज्जत और अजमत को बढ़ाने वाले बने, उनका जिस तरीके से एहतराम है उस तरीके से एहतराम करने वाले हम बने। फरमाया, एक मस्जिद की तामीर उसके दरो दीवार को बनाना है, यह भी तामीर है। जब ही तो इंसान वहां जाए, वहां नमाज अदा करे, वहां जुमा जमात हो और वहां एतकाफ करे, ये सब चीजें जरूरी हैं उसके लिए, दरो दीवार। लेकिन एक तामीर जो असल है वो आमाले मस्जिद से उसको आबाद करें, ये असल तामीर है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ। फरमाया, अल्लाह के घरों की असल तामीर यानी आबादी जो है वो कौन करते हैं? वो लोग जो अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर यकीन, नमाजें कायम करते हैं, जक़ात को अदा करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं डरते। وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا। मस्जिदें अल्लाह की हैं, ये अल्लाह के घर हैं, इनमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम मत लिया न ले। हम देखो, हम हमारा दिमाग ही नहीं जाता, हमारा जहन ही नहीं जाता। अल्लाह के अलावा का माना हम गैर कोई आवाज हो, किसी और माबूद का नाम लिया जा रहा हो, वो यकीनन है ही नहीं वो। लेकिन हम वहां बैठकर दुनिया की बातें करें, गपशप करें, ईरान तुरान की करें, तो वो अल्लाह के नाम के अलावा ही तो चीज है ना। बोलिए, अब मस्जिदों में शोर हो रहा है, बातें हो रही हैं, मस्जिद का एक तस्वीर भी नहीं है जहन में उसका ख्याल नहीं। ऐसा जैसे घरों में हम हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, भाग रहे हैं, ये क्या हुआ? बोलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जहां बड़ी बड़ी निशानियां बताई उनमें ये, इज़ा ज़हरतिल अस्वातु फी मसाजिद, जब मस्जिदों में शोर होने लगे, मस्जिदों में आवाजें बुलंद होने लगी, तो जलजलों के आने, आंधियों के आने, जमीनों के धस जाने, चेहरों के बदल जाने और आसमान से अजाब के आने का इंतजार करो, अल्लाह के नबी फरमा। इसलिए बहुत डरने की बात है, मस्जिदों का अदब बहुत जरूरी, उसकी तामीर में हिस्सा लेना उसकी अपनी फजीलतें हैं। पूरी मस्जिद कोई बनाए बहुत अच्छी बात है, उसके लिए जन्नत की, जन्नत में घर की बशारत है, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा भी हिस्सा ले उसके लिए भी बशारत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अरब में एक परिंदा कतात कहते, समझने के लिए जैसे हमारे यहाँ बटेर है, तोते और मैना है, तीतर है, बटेर, इस तरीके का एक छोटा सा परिंदा है, कतात उसको कहते हैं, वो अपना आशियाना बनाता है, अपने रहने का ठिकाना बनाता है, तो जमीन को खोदकर इतना सा वो गड़ा बनाता है, उसमें वो रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह का घर बनाए का मफ़हसी कतात, चाहे वो कतात के घोंसले के आशियाने के बराबर हो, उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में घर अता फरमाए।
आप एक सवाल के उत्तर छोटा कोई घर बना है, इतनी छोटी मस्जिद बना है, इतने आने छोड़ा इतना काम है, इनका हाथ भी जाएगा नहीं, पाँव भी जाएगा, इनों का मस्जिद में जाते हैं, उतनी छोटी मस्जिद में कौन जा सकता है। अल्लाह जजाए खैर उलमा इकराम कहते हैं, उन्होंने समझाया उसका माना हकीकत में उतनी छोटी मस्जिद के वो नहीं है, मतलब यह है कि बड़ी मस्जिद बनाए तो ही अल्लाह ताला जन्नत में घर देते, ऐसा नहीं है, छोटी मस्जिद बनाए तो भी देते हैं। दूसरा माना पूरी मस्जिद बनाए तो ही अल्लाह ताला ये अजर देते, वैसा नहीं, उसमें थोड़ा सा हिस्सा भी लगाए तो भी अल्लाह तबारक व ताला ये अजर देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सामने उम्मत के अमल पेश किए गए और सुनो, कोई हिस्सा ही नहीं लगा सके तो क्या करें। फरमाया मेरे सामने उम्मत के अमल पेश किए गए तो मैंने उस शख्स के उस अमल का अजर भी देखा जिसने मस्जिद में से एक दिन का भी उठाया। अल्लाह को अब क्या रहा, हमारा एक पैसा भी नहीं लगा, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी खिदमत हमसे हो सकी, मस्जिद की सफाई है उसकी, ठीक उसकी निगरानी है, उसका हम ख्याल रखे, साफ सुथराई कर, एक दिन का भी उठाया उसका भी अजर मैंने देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कितना सस्ता सौदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करो। तो ये सारी चीजें, तो मस्जिद को आबाद करना ईमान वालों का काम है, और मस्जिद से मना करना, मस्जिद से रोकना, हमें वो हमें नज़लम उससे बड़ा जालिम कौन, मिम्मा मना मसाजिद अल्लाह आयुद कराफी, अल्लाह के घरों में अल्लाह का नाम लिया जाए उससे कोई रोके, उससे बड़ा जालिम कौन। वो सहाफी खराब यहां और मस्जिद को वैरान करने, तबाह करने, बर्बाद करने की कोशिश करे उससे बड़ा जालिम कौन, ये भी अल्लाह ने साफ फरमा दिया। तो मस्जिद को आबाद करना, उसकी तामीर करना ये ईमान वालों का काम है, और उसकी वैरानी, उसकी तबाही, उसकी बर्बादी और उसमें अल्लाह का एक को याद करने से रोकना ये जालिमों का काम है। इसलिए बुजुर्गान ने कहा आज की इस मजलिस में हम इरादा करके जाएं, देखो हिजाब है, ये भी एक शायर में से, कोई ऐसा ही मामला नहीं है, बहुत आसान मामला नहीं है, करे करे जा नहीं तो छोड़े जा ऐसी बात नहीं है, ये शरीयत का एक हिस्सा है, ये एक निशानी है, ये कितनी आयतें इस सिलसिले की, इसको हम यूं ही आसानी के साथ छोड़ते हैं ऐसी बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरा जो हमारी माएं हैं उनको अल्लाह ताला किस तरीके से फरमाते हैं, उनसे भी कोई चीज पूछो फसलुहुन्ना मिन वराई हिजाब, तो पर्दे के पीछे से पूछो, अल्लाह अकबर, वो हमारी माएं हैं वो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनसे किसी का निकाह नहीं है, जिस तरीके से हमारी माँ से हमारा निकाह नहीं हो सकता, वो माँ है हमारी, तो हमारी रूहानी माएं हैं ये, तो उनसे भी कोई चीज पूछो तो फरमाया पर्दे के पीछे से, और बात करो तो भी नरम लहजे में ना करो, फला तखजाना बिल कौल, क्यों फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद, जिसके दिल में रोग है बीमारी है कहीं उसका दिल ललचा ना जाए, उसका दिल फिसल ना जाए। तो ये आदाब बताए जाए, तो हिजाब एक शरीर मसला है, एक शायर में से, दिन के निशानियों में से, तो इसलिए इन सब का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और खास तौर से मस्जिद को आमाले मस्जिद से आबाद रखना, हमारा ताल्लुक बहुत कमजोर होता जा रहा है, बिल्कुल जो आने वाले हैं वो बस चंद मिनटों के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला कल कियामत में जब अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा तो अपने अर्श के साये तले सात किस्म के लोगों को अल्लाह ताला जमा फरमाएंगे, उनमें एक रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद फरमाया, अल्फाज पर गौर करें,
रजुलुन कल्बुहु मुअल्लक बिल मसाजिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिदों से जुड़ा हुआ हो। यह नहीं फरमाया कि वो शख्स जो मस्जिदों ही में रहता हो, ऐसा बोल देते तो हमेशा मस्जिद में खड़ा, घर बार नहीं, कारोबार नहीं, धंधा नहीं, जाप नहीं, शाप नहीं, वैसा दिन भर रखो, रात को घर को जाओ, उन्हें बेलन भी फूकनी उठा ली ही, जाओ जी बाहर कहेंगी क्या लाख डाले घर को पकाने के वास्ते जी, तुम्हें घर पूछेंगे है कि नहीं गए, अभी दसवीं पढ़ लगे बैठ जाओ जी, रात की मस्जिद में गुजारो जी कर बोलेंगे तो अल्लाह। एक जने बोले आज हजरत मेरी बीवी रोज तुम ना दुआ देती गई, मेरी को कहो तुम बयान में बोले तो रमजान में बीवियों को उनका हक अदा करना, उनका खर्चा देना, दूर दराज इधर सब खर्चा करते जो रोम देते नहीं करो, रोजाना 100 रुपये मांगती नहीं करता, हजरत को मैं बोलती होती हजरत की बात मानती कि नहीं मानते, कि नहीं मानते घर पर ब्रेक डालती 100 रुपये देती अल्लाह हजरत को अच्छा रखो को दुआ देती। तो फरमाया जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ हो, यानी फिक्र उसकी जमात कब है, अजान कब होगी, मैं फलां काम के लिए जाऊं तो मुझे नमाज मिलेगी क्या, जमात से मैं अदा कर सकूंगा क्या, तो नमाज के औकात को असल बनाकर उसको बेस बनाकर अपने कामों की तरतीब देगा वो, नहीं अब जाऊंगा तो मेरी जमात छूट जाएगी इसलिए नमाज के बाद में जाता हूं। तो हमेशा मस्जिदों से जुड़ा रहता है, तो ये फरमाया ऐसे बंदों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साये तले जगाता फरमाया अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। तो मस्जिदों से हमारा कनेक्शन जुड़ा रहना ये हमारे लिए पावर हाउस है, क्या है भाई, ये हमारे लिए लाइट हाउस है, क्या है भाई, मनारतु नूर, लाइट हाउस से दूर दराज के जहाजों को मालूम होता है, रुख मालूम होता है, तो वैसा हमको यहां से रोशनी मिलती हिदायत की रोशनी, वैसी पावर हाउस से हमको पावर मिलता, मस्जिदों से हमको ईमान का पावर मिलता। बाहर के माहौल में जाते हैं हमारा ईमान का पारा कम हो जाता, कमजोर पड़ जाता, ऐसी वैसी बातों से, ऐसे वैसे नजारों से, तो फिर उसे मस्जिद को आकर उसे चार्ज करना, अमल का शौक अपने अंदर पैदा करना, अल्लाह का खौफ पैदा करना, अल्लाह का ताल्लुक पैदा करना, उसके लिए इससे हमको जुड़े रहने जरूरी है। ये आज इस हर जगह एक मिसाल पेश करता है, मोटी मिसाल है, आज के जमाने के लिहाज से अच्छी तरह दिल में लग भी जाती है, वो समझ में भी आ जाती है, इसलिए बोल देता हूँ मैं। तमिल में बोलते हैं उलगतले पल्लिल्लादवन इरुक्कलाम आनाल सेल्लिल्लादवन इरुक्कमाट, पल बोलते हैं दांत को, तेलुगु में पल्लू बोलते हैं, दुनिया में दांत नहीं सो आदमी रह सकता पल्ले, लेकिन सेल नहीं सो आदमी दुनिया में नहीं है। आज किसे भी तुम्हारे पास मोबाइल है क्या, नंबर है क्या, पूछने का जमाना नहीं, तुम्हारे पास कितने नंबर है, कौन सा वीआईपी नंबर है, वीवीआईपी नंबर है, तुम्हारा पर्सनल नंबर कौन सा है, वो ऐसा जमाना है पूछने का, सबके पास है अल्लाह अकबर। एक मोबाइल बड़ा है, कीमती है, देखने को खूबसूरत भी है, ऑप्शन भी फुली है, अब्बा आधे घंटे पौने घंटे से बयान करता हूँ, अभी उठते हैं लोग मोबाइल कहते ही उठते हैं, सुभान अल्लाह, अभी चेहरे खिलते हैं अल्लाह, इतनी आयतें पेश किया, इतनी हदीसें पेश किया, हाँ मोबाइल कहते ही क्या कि हमारी जान में रू आए सगा है किस्सा, क्या कि बहुत स्पेशल बात बोलते हैं, हमारा आइटम आता है ना गुरु साहब में अल्लाह अकबर। तो ये मोबाइल कीमती है, खूबसूरत है, ऑप्शन भी ज्यादा है, देखने में अच्छा भी है, महंगा भी है, लेकिन बैटरी जीरो हो गई, क्या होगी भाई, अब इनकमिंग होता क्या, आउटगोइंग होता क्या, मैसेज सेंडिंग होता क्या, क्या जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, देखो कितने आए थे हदीस सो बोले एक में भी जवाब ही चाहिए नहीं, यहाँ लेफ्ट राइट करके 1-2 करके जवाब अलग थी माशाल्लाह। दूसरा मोबाइल है छोटा है, काला है, गिड्डा है,
मामूली है, ऑप्शन भी बहुत कम है, बेसिक मोबाइल है, लेकिन ईमान की बैटरी फुल है। क्या है भाई, अब इनकमिंग आउट गोइंग होता क्या, मैसेज सेंडिंग होता क्या, आप समझो। एक जना गोरा गुंटा है, आड़ा चौड़ा है, माल वाला है, शहर वाला है, लेकिन ईमान की बैटरी जीरो है। क्या है भाई, दूसरा खेड़े वाला है, काला कलोटा है, मामूली हैसियत वाला है, खूबसूरत भी नहीं, कबूल सूरत भी नहीं है, लेकिन वो ईमान की बैटरी फुल है। अब अल्लाह की नजर में किसकी कीमत है बोलो। हाँ, इसका माना यह नहीं जो जो बड़ा कीमती मोबाइल है उसकी बैटरी डाउन हो गई तो फाक फेंक डालते हैं, नहीं उसे फौरन क्या करते हैं, चार्जर आज अच्छा पूछ लेते, चार्जर है क्या करते, पहले जमाने में बीड़ी ईडी कोई माचिस पूछते थे, फौरन चार्जर पूछ लेते, धुंधते कहाँ चार्ज करना है। आजकल सहूलतें भी वैसी छोगी, बसों में भी, रेलों में भी, फ्लाइटों, इसमें सब जगह भी चार्जर के वास्ते इंतजाम भी हो गया है। अब फौरन चार्ज को लगाते हैं, थोड़ी देर के बाद उसे ऑन करते हैं, ऑन हो गया, फिर पूरे काम होते। वैसे ही कोई इंसान है, ईमान वाला है, हाँ ईमान की बैटरी डाउन हो गई है तो उसे फौरन क्या है, बैटरी को चार्ज कर लेना है, बस इतनी ही बात है। अब चार्ज करेंगे तो फिर भी वो सारी चीजों को अदा करने वाले बनेंगे, नमाजों को अदा करेगा, अल्लाह के अहकाम को अदा करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलेगा, सारी चीजों को अदा करने वाला। तो उसके लिए ये हमारे लिए पावर हाउस है, मस्जिद है, तो इससे हमारा ताल्लुक हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। फरमाया जब तुम किसी शख्स को मस्जिद आते जाते देखो तो उसके साहिब ईमान होने की गवाही दो। इसलिए मस्जिदों से हमारा ताल्लुक बहुत जरूरी है। अब सोचते रहेगा क्या किया है, क्या मस्जिद बनते हैं घर को, हजरत मस्जिद के ठुल्लो आप कुछ वो टॉपिक को बोल लेकिन आप हजरत भी दुआ करो अल्लाह ताला आफियत के साथ काम को खैर आफियत के साथ तकमील तक पहुंचाए और उसे हिदायत का घर बनाए, पूरी जगह हिदायत के फैलने, ईमान के फैलने, आमाल अखलाक के फैलने, दीन के फैलने, इल्म के हयात होने और दीन के तमाम शोबों के लिए अल्लाह ताला उसको क्या बनाए, मरकज बनाए, समझते हैं क्या। उसके लिए दुआओं के जरिए से हमारी भरपूर मदद फरमाए, दूसरे जरिए से भी मदद कर सकते क्या, अगर को पूछने जाते हैं वो आपके दिल की बात है, वो अल्लाह ताला आपके दिल में डाले, एक अमानत है हमारे घर के लिए नहीं है, अल्लाह के घर के लिए है, बस इतनी सी बात है। तो इसलिए इस वक्त आलमी एतबार से और ख़ास तौर से हमारे मुल्क के एतबार से जो एक उन्वान बने अल्लाह के घर और मसाजिद, इस सिलसिले में हमें खुद इनकी हर लाइन से जो है हिफाजत करने की ज़रूरत है। उसकी हिफाजत का आसान तरीका यही है कि उसकी आबादी हो, क्या हो भाई, उसकी आबादी, हमें ऐसा अल्लाह के घर आबाद रहे, तब किसको जो है उसकी तरफ नजर उठाने की हिम्मत होगी, बोले किसको क्या दावा करने की हिम्मत हो। इसलिए अल्लाह के घरों को आबाद रखो, यह निशानी है अल्लाह तबारक व तआला जो फरमाए इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअकाम अस्सला वआत अज़्ज़का वलम यख्शा इल्लल्लाह। इसलिए बुजुर्गो हमारा यहाँ मजलिसों में आना जाना वो भी इसी मकसद से, हमारी ईमान की बैटरी चार्ज हो, हमारे अंदर ये अमल का इजाफा हो, हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा हो, हमारे दिल भी जो है वो तकवे वाले बने, हमारे दिलों में भी अल्लाह का तकवा, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में पैदा हो, इस जज्बे के साथ हम आए। और आने के बाद जो पुराने अहबाब होते हैं वो नए अहबाब को माहौल में रखें, इसकी बहुत ज़रूरत है। ये
नए अहबाब आते हैं, माहौल मालूम नहीं होता है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका वक्त जो है इधर उधर गुजर जाए। इसलिए वैसे ही अपने अपने इलाके के जो होते हैं वो अहबाब भी अपने अपने इलाके के लोगों को एक माहौल के अंदर रखें और मुजाकरा करते रहें। मुज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उ मुमिनीन, फरमाया मुजाकरा करो कि ये ईमान वालों को नफ़ा पहुँचाता है। तो इसलिए ईमान के मुजाकरे हों। इधर उधर के तो हम करते ही रहते हैं, हर जगह करते हैं, तो कम से कम ऐसी मजलिसों में आने पर जितना वक्त भी हम यहाँ देंगे पूरा वक्त हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, एक सुई के साथ दिन दुआओं में लगे, लंबे लंबे मुराकबे करें, भी कुरान पाक की तिलावत करें, दिल लगाकर अल्लाह से मुनाजात करें, सुकून के साथ नमाजें अदा करें। इन सब चीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इंतज़ाम फरमाया है। खाने का भी इंतज़ाम होता है, रात के ठिकाने का भी इंतज़ाम होता है। बस इतनी सी बात है कि हम अपने वक्त को पूरी तरीके से काम में लाने वाले बने, वरना फिर इतनी दूर से आकर इतना वक्त हम निकाल कर आए और कैफियत न बने हमारे अंदर तो यह कोई फायदे की चीज़ है क्या बताइए। एक मुर्गी जो है उसके नीचे अंडे रखे जाते हैं, तो जिस दर्जे उसमें हरारत और गर्मी पहुंचनी है वो पहुंचे तो ही वो अंडे चूजों से बदलते हैं, एक बेजान चीज से जानदार चीज बनती है। अगर उस दर्जे हरारत न पहुंचे, गर्मी न पहुंची, तो फिर वो अंडे सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो दिल हमारे मुर्दा हैं वो यहाँ आए और एक माहौल में रहे तो फिर इंशाल्लाह हमारे दिन जिंदा होंगे। उसके लिए हमें फिक्र करनी है, कोशिश करनी है, करेंगे वह इंशाल्लाह। इसलिए अल्लाह के वास्ते बातों का माहौल, तज़किरों तबसरों का माहौल, इधर उधर देखने नज़ारे करने, इसका माहौल ना बनाए, इससे बड़ा नुकसान होता है। ये तो हम हर जगह ही करते हैं, जब इतनी कुर्बानी देकर इतना वक्त निकाल कर हम आते हैं तो एक माहौल में हम रहें, एक लहजा भी हमारा बेकार ना हो, फायदामंद हो। ये कितने वाकयात हैं, बुजुर्गान दिन जो है लुकमा चबा कर खाना ये भी गवारा नहीं होता था, सत्तू फांक लेते थे, घोल कर पी लेते थे कि वक्त जितना बच सके बचे, उसको हम अल्लाह की याद में अल्लाह के जिक्र में लगाए, ये भी अल्लाह के बंदे थे। तो इसलिए गफलत में हमारा वक्त ना गुजरे, पूरी याद दहानी के साथ रहे, हम आए हैं अपने को बनाने के लिए आए हैं, अपनी इस्लाह के लिए आए हैं। कोशिश भी हो अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं, अल्लाह हमारी कामिल इस्लाह फरमा, अल्लाह हमारे बातिन को मुर्दा दिलों को जिंदा फरमा, अल्लाह हमें अपना ताल्लुक अता फरमा, अल्लाह गुनाहों की नफरत हमारे दिलों में पैदा फरमा, अल्लाह ताअत की तौफीक हमें अता फरमा, अल्लाह हमें अपने नेक और मुकर्रब बंदों में शामिल फरमा। इस तरीके से हम इस माहौल में रहें, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। बहुत से दूर करीब से अहबाब आए हैं बैत की नीयत से भी, इसलिए अब बैत के कलिमात पढ़ाए जाते हैं, जो हजरत बैत की नीयत से पढ़ना चाहें पढ़ें, जो हजरत तौबे की नीयत से शरीक होना चाहें वो शरीक हों। पहले खुतबा पढ़ा जाएगा, उसको सुन लें, फिर बैत के कलिमात पढ़ाए जाएंगे, पढ़ते चलें, फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद में जो है हमारे मौलाना मुफ्ती मंसूर अहमद साहब से मुलाकात करके मामूलात मालूम कर लें, मामूलात का अड्डा हासिल कर लें, अपना नाम भी दर्ज कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره
من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. बुजुर्गों एक बात का ख्याल रखें, लोग किसी भी चीज़ में हिस्सा लेना चाहें, मदरसे का ताउन करना चाहें, खानखा की खिदमत करना चाहें और इसी तरीके से मस्जिद की तामीर अगर है इसमें, तो ज़रूर इसको नोट करें आप हजरात। बार बार बोलते हैं भेजने वाले यहाँ वहाँ अकाउंट नंबर जो लिखे हुए हैं उसको देखकर पैसा भेज देते हैं, किस्मत में है उतना मालूम कराने की भी जहमत गवारा नहीं करते हैं। ये बहुत बुरी बात है याद रख लो और बहुत परेशानी की बात है। हमारे यहाँ तलबा हैं उनका अपना एक निज़ाम है खर्च वगैरह का, फिर यहाँ खानखा का एक निज़ाम है, इसके अलावा तामीरात का एक निज़ाम है, समझ रहे हैं? ये सब चीज़ें इतना भी गवारा नहीं करते, खाली बटन दबाए सेंड करवाते हैं। ज़कात खुद ले जाकर पहुंचाने की चीज़ है। इतनी तबीयतों में आसानी आ गई है, शरीयत को कुछ समझ देते नहीं। पैसा आ तो क्या सब कुछ वही है क्या? खाली सेंड करते हमें फॉरवर्ड करते, ये क्या तरीका है? किस मत के लिए भेज रहे हैं वो भी नहीं मालूम कराते, कल क़यामत में कौन जवाब देंगे? हमारे सर पे पड़ेगा क्या ये? अल्लाह के वास्ते समझो, मसला बहुत नाजुक है। इसलिए इतनी भी क्या ये नहीं, क्या किस मकसद से भेज रहे हैं, किसके लिए भेज रहे हैं वो भी नहीं मालूम कराते। इतनी आसानी तबीयत में आ गई है, बस फॉरवर्ड करो फॉरवर्ड करो, ये भेजो वो भेजो, हमें भेजते किसके लिए भेज रहे हैं? शरीयत है, ये हुदूद है इनके, इनके अपने मसाइल हैं। बड़ी ये सहूलत पसंदी हो गई है, हर चीज में सहूलत। ज़कात आपका फरीजा है, आपके सर पे है, आपकी जिम्मेदारी है, आप मसरफ तक जाकर पहुंचाएं, मुस्तहिकिन तक जाकर पहुंचाएं, हम उसके ठेकेदार नहीं है। ये क्या तरीका है? इतना भी नहीं मालूम कराते, बहुत बेडंगापन है। अल्लाह के वास्ते माफ करें, हमारी तल्ख नवाइयां गवारा करें। शरीयत का मसला है, हमारे कंधों पे बंदूक मत रख कर चलाओ, हमारे ऊपर तलवार मत रखो, कल क़यामत के दिन अल्लाह के वास्ते हमारी गर्दन मत पकड़ो। कितना सख्त मसला है, उतना भी मालूम नहीं कराते, किस मकसद से भेज रहे हैं, किस मत में भेज रहे हैं। बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। अब ज़कात एक फरीजा है, ये फरीजे को उतना आसान ले लेते क्या? वही बात समझ में आई नहीं आई? नहीं तो फिर बोलते हैं हम, क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए? खाली सेंड करे फॉरवर्ड करे हम इतना, ये क्या तरीका है? ये याद रखो, मामला अल्लाह का है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह गनी है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। याद रखो, जरूरत हमें है, हम आजिज बने, हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने वाले बने, हम आजिजी के साथ। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी बड़ी खिदमतें करते थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ये काबिल कबूल तो नहीं है फिर भी कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के नबियां इतना डर रहे हैं, अल्लाह ये काबिल कबूल तो नहीं है फिर भी कबूल फरमाइए, अल्लाह आजिजी कर रहे हैं। तो वैसा अल्लाह के बंदे डरते थे, आजिजी करते थे। अल्लाह इसको ले लीजिए, अल्लाह इसे कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाइए, इस तरीके से दुआएं मांगते थे।
कुछ भी नहीं रहा, शरीयत एक ये हो गया। इसलिए अल्लाह के वास्ते ये सब चीजें हैं, इनका ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए मुराकबा करें, फिर इंशाल्लाह दुआ होगी। आंखों पे बंद कर लें, सर को झुका लें। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उसे हटकट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए। नियत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत और सियाह भी दूर हो रही है, और दिल जज्बे शुक्र से कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह।
سبحان ربي العلي جلال الوقاف دعا فرمالي اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا الى النار مصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا امان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الحلقاء يا منجي الغرقاء يا محسن يا مجمل يا مفزن يا منعم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث يعلم مثاقيل البحار ومكاين الجبال نسألك أن تصلي على محمد اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما اللہ بہت گناہ ہو چکے ہیں اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اللہ بہت نافرمانیاں ہوئی ہیں اللہ جان کر بھی انجان کر بھی دن کے اجالے میں بھی رات کے اندھیرے میں بھی اللہ تنہائیوں میں بھی اور مجمع میں بھی اللہ جو یاد ہیں وہ بھی جو کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی اللہ جی معاف فرمائیے اللہ ہم آپ کی نعمتیں کھاتے رہے آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے اللہ آپ گناہ کو دیکھتے رہے اس کے باوجود آپ نے اللہ ہم پہ عذاب نہیں اتارا اللہ آپ چاہے تو زمین کو پھاڑ سکتے تھے آسمان سے عذاب کو اتار سکتے تھے آپ کو پوری قدرت تھی اللہ معاف فرما دیجئے اللہ شرمندہ ہے اللہ پھیلنا نادم ہے اللہ اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ پھر بھی معاف فرما دیجئے اللہ خاص فضل فرما دیجئے اللہ آپ کو حق ہے اللہ آپ کہیں نالائق ہو نکل جاؤ تمہارے لیے معافی نہیں ہے لیکن اللہ آپ نہ معاف کریں تو کون معاف کرے گا اللہ آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کرے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں تو کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں ناہنجار ہیں اللہ بڑے پاپی ہیں اللہ اقراری مجرم ہیں اللہ اللہ گندے صحیح آپ ہی کے بندے ہیں اللہ آپ کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ آپ نے بلایا ہے تو آئے ہیں اللہ آپ شہنشاہ ہیں اللہ آپ بادشاہ ہیں اللہ آپ سقی ہیں اللہ آپ داتا ہیں اللہ اللہ ہم منگتے ہیں اللہ ہم فقیر ہیں اللہ اللہ ہم آپ کی دیوڑی پہ حاضر ہوئے ہیں اللہ آپ نے بلایا ہے اللہ ورنہ ہماری حیثیت کیا تھی اللہ
इतनी दूर बुलाकर महरूम न फरमाइए अल्लाह, खाली हाथ ना लौटाइए अल्लाह, खाली हाथ ना लौटाइए अल्लाह। दुनिया का एक सखी अगर न दे तो दूसरे की उम्मीद रहती है अल्लाह, अगर आपके दर से महरूम गए तो फिर कहाँ हमें मिलेगा अल्लाह। माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, बख्शिश के फैसले फरमा दीजिए अल्लाह, माफ़ी का ऐलान फरमा दीजिए अल्लाह। अल्लाह बड़े दूर और देर से आए हैं अल्लाह, अल्लाह मालूम नहीं इसमें कितने दुखियारे होंगे, कितने गम के मारे होंगे, कितने टूटे दिल भले होंगे। अल्लाह उलमा भी हैं, हुफाज भी हैं, तलबा भी हैं, दीन के दाई भी हैं, आपके शदाई भी हैं। मालूम नहीं अल्लाह किसके अमल आपको पसंद आते हो, किसके उठे हुए हाथ आपको अच्छे लगते हो, किसकी आमीन आपको पसंद आती हो। अल्लाह पूरे मजमे की बख्शिश फरमा दीजिए अल्लाह, पूरे एक बार ऐलान फरमा दीजिए अल्लाह, अल्लाह एक बार माफ़ी का ऐलान फरमा दीजिए। आपके लिए करोड़ों बंदे हैं अल्लाह, हमारे लिए आप एक ही हैं अल्लाह। अगर आप भी नाराज़ हो गए तो हम कहाँ जाएंगे अल्लाह। अल्लाह तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, तो आप तो माफ़ करना ही चाहते हैं अल्लाह, माफ़ी आपको पसंद है अल्लाह। आप भी सच्चे हैं, आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं अल्लाह, आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है अल्लाह आपको माफ़ी बहुत पसंद है। यकीनन आप 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है अल्लाह, हम ही नाफरमान है अल्लाह, हम ही आपसे दूर हो गए हैं अल्लाह। अल्लाह जी करीब होने के बाद दूर होने से बचा लीजिए अल्लाह, अच्छे होने के बाद बुरे होने से बचा लीजिए अल्लाह, सीधे रास्ते में आने के बाद गलत रास्ते में जाने से बचा लीजिए, हिदायत के मिलने के बाद जलालत से बचा लीजिए अल्लाह, इल्म के मिलने के बाद जहालत के कामों से बचा लीजिए अल्लाह। अल्लाह दो कदम आपकी तरफ उठाते हैं अल्लाह, नफ्सो शैतान ऐसी राहत पाते हैं हम चार कदम पीछे हो जाते हैं अल्लाह। कभी तो आपकी तौफीक से तहज्जुद भी नसीब हो जाती है और कभी फर्ज भी छूट जाती है अल्लाह, बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं अल्लाह, पूरी पूरी रात नाफरमानी में कट जाती है अल्लाह। माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, निगाहें गंदी हैं अल्लाह, दिलो दिमाग गंदे हैं अल्लाह, जज्बात तो है ऐसा तबाह हो चुके हैं अल्लाह, अच्छी जगहों में भी बुरे ख्याल आते हैं अल्लाह। अल्लाह नमाज में भी नमाज का ध्यान नहीं रहता है अल्लाह, अल्लाह जी माफ़ फरमा दीजिए। आप अल्लाह चाहे तो जमीन को फाड़ के हमको धसा सकते हैं अल्लाह, आपको पूरा हक है अल्लाह। अल्लाह हमारा वजूद ही बड़ा गुनाह है अल्लाह, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने हमें जीने जीने का सलीका सांस लेने का तैनला हक दिया है अल्लाह। अल्लाह जी माफ़ फरमा दीजिए, हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दीजिए अल्लाह, गुनाहों से बचा लीजिए, गुनाहों की जगहों से बचा लीजिए, गुनाहों के ख्यालात से बचा लीजिए अल्लाह। आप खुद हमारी हिफाजत फरमा दीजिए, बहुत जल्दी बहक जाते हैं अल्लाह, फिसल जाते हैं अल्लाह, नफ्सो शैतान के फंदे में फंस जाते हैं अल्लाह। आप खुद संभाल लीजिए अल्लाह, गिरतों को संभालना भी आपकी का काम है अल्लाह। अल्लाह संभाल लीजिए अल्लाह, अल्लाह बचा लीजिए अल्लाह, अल्लाह बचा लीजिए अल्लाह। अल्लाह आपके बचाए बगैर हम नहीं बच सकते हैं अल्लाह, आपकी तौफीक के बगैर एक सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते अल्लाह, बड़े कमज़ोर हैं अल्लाह। माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, अल्लाह अपना बना लीजिए अल्लाह, महरूम ना फरमाइए अल्लाह, खाली हाथ न लौटाइए अल्लाह। अल्लाह बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं अल्लाह, देर और दूर से आए हैं अल्लाह। अल्लाह रमज़ान का महीना गुजर कर एक महीना हो रहा है अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हमारी जो चीज़ें आपकी तौफीक से हुई थी अल्लाह अल्लाह वो उससे हम दूर ना होते चले जाएँ अल्लाह। फिर करीब फरमा लीजिए अल्लाह, हमें अपना बना लीजिए अल्लाह, अपना बना लीजिए अल्लाह। अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाइए अल्लाह। अल्लाह मस्जिदों की, मरकज़ों की, मकतबों की है अल्लाह, मदरसों की हिफाजत फरमाइए अल्लाह, दीनी इदारों की और जमीयतों की जमातों की हिफाजत फरमाइए अल्लाह, हर बुरी नज़र से बचाइए अल्लाह अल्लाह, हर शरीर की शरारत से बचाइए अल्लाह, बदखाह की बदी से बचाइए अल्लाह, जालिमों के हाथों को पकड़ लीजिए अल्लाह। अल्लाह हिफाजत फरमाइए अल्लाह, अल्लाह हमें मस्जिदों को आबाद करने वाला बनाइए अल्लाह, अल्लाह मस्जिदों की हिफाजत करने वाला बनाइए अल्लाह। अल्लाह ये दीन के मराकज़ हैं अल्लाह, हमारा ताल्लुक इससे कायम फरमाइए अल्लाह, इससे दूर न फरमाइए अल्लाह, दूर न कर दीजिए अल्लाह। अल्लाह पूरे जैसे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाइए, जान माल की हिफाजत फरमाइए, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाइए, अकदार और अखलाक की हिफाजत फरमाइए,
यतीमों यसीरों की हिफाजत फरमाइए, माजूरों मजबूरों की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह मरहूमीन की बख्शिश फरमाइए, अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह ख़ास तौर से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाइए, ज़ालिमों के जुल्म से बचाइए, अल्लाह जुल्म बहुत बढ़ता जा रहा है, अल्लाह बढ़ता चला जा रहा है, अल्लाह आपके मस्जिद है अल्लाह आपके घरों के सिलसिले में अल्लाह बड़ा माहौल बनाया जा रहा है, अल्लाह शरीरों की शरारत से बचाइए, अल्लाह फितनों के फितने से बचाइए, अल्लाह बदखाहों की बदी से बचाइए, अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह बीमारों को सेहत सलामती अता फरमाइए, अल्लाह कर्जदारों के कर्ज की सूरत पैदा फरमाइए, अल्लाह बेरोजगारों को हलाल रोजी अता फरमाइए, परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमाइए, अल्लाह हमारी दीन दुनिया आखिरत को बेहतर बनाइए, अल्लाह दीन दुनिया आखिरत को बेहतर बनाइए, कर्ज से मरज से बचाइए, किल्लत से इल्लत से जिल्लत से बचाइए, अल्लाह जो मांगा है अता फरमाइए, जो मांगने से रह गया अता फरमाइए, बहुत सारी चीज़ें दिलों में है अल्लाह किसी से बोल भी नहीं सकते अल्लाह, न कह सकते हैं न सह सकते हैं अल्लाह, कितने लोग परेशानियों में है अल्लाह, बड़ी बड़ी बीमारियों में मुबतला है अल्लाह, किसी की माँ बीमार है, किसी की बीवी बीमार है, किसी की बेटी बीमार है, कोई खुद बीमार है अल्लाह, बरसों बरसों बीमारी में गुजर गए हैं अल्लाह, इलाज की सूरतें भी समझ में नहीं आती है अल्लाह, और उस इलाज की सहूलतें भी नहीं है अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, सेहत सलामती अता फरमा दीजिए, आफियत अता फरमा दीजिए अल्लाह, कर्ज से मरज से बचा लीजिए अल्लाह, बहुत से लोग कर्जदार हैं अल्लाह, अल्लाह कर्जों से छुटकारा नसीब फरमा दीजिए अल्लाह, लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है अल्लाह, अल्लाह जी भरोसा न फरमाइए अल्लाह, ये अल्लाह सबके हाल पर रहम फरमाइए अल्लाह, हमें अपना ताल्लुक अता फरमाइए, अपनी मोहब्बत अता फरमाइए अल्लाह, हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाइए अल्लाह, हमारे वालिदैन की, हमारे रिश्तेदारों की, बीवी बच्चों की, भाई बंदों की अल्लाह सबकी मफ़िरत के है अल्लाह, मुझे सुना दीजिए अल्लाह, अल्लाह सबसे आप राजी हो जाइए अल्लाह, सबसे खुश हो जाइए अल्लाह, अल्लाह हमारी मस्जिद की तामीर का जो सिलसिला शुरू हो रहा है अल्लाह इसको कबूल फरमाइए अल्लाह, इसको कबूल फरमाइए अल्लाह, इसको बेहद कबूल फरमाइए अल्लाह, अल्लाह अपनी नज़र ख़ास फरमाइए अता अल्लाह इसको पूरे इलाके के लिए हिदायत का मरकज़ बनाइए अल्लाह, अल्लाह हिदायत आम्मा और तामा के फैसले फरमाइए अल्लाह, अल्लाह इसको मामूर फरमाइए अल्लाह, मुनव्वर फरमाइए अल्लाह, आबाद फरमाइए अल्लाह, अल्लाह यहाँ हम आए तो हमारा आपसे ख़ास ताल्लुक़ कायम हो अल्लाह, नमाजों का खुशू नसीब हो अल्लाह, तिलावत की हलावत नसीब हो अल्लाह, सजदों का सुरूर हासिल हो अल्लाह, मुनाजात की लज्जत अता फरमाई अल्लाह, ऐसा इसको बना दीजिए अल्लाह, इसको बना दीजिए अल्लाह, अल्लाह अपना ख़ास फजल फरमा दीजिए अल्लाह, रूहानी वर्कस बना दीजिए अल्लाह, ईमान की कुव्वत का जरिया बना दीजिए, सबब बना दीजिए अल्लाह, अल्लाह इस सिलसिले में भरपूर हमारी मदद फरमाई अल्लाह, भरपूर मदद फरमाई अल्लाह, आवान अंसार अता फरमाइए, मुखलिसीन अता फरमाइए, मुहिब्बीन अता फरमाइए, मुहसिनीन अता फरमाइए, मुआविनीन अता फरमाइए, अहले दिल और अहले इल्म अता फरमाइए, अहले ज़िक्र अहले फ़िक्र अता फरमाइए, ऐ अल्लाह काबिलियत और कबूलियत वाले अता फरमाइए, सालिहियत और सलाहियत वाले अता फरमाइए, ऐ अल्लाह गमगुसार अता फरमाइए, मददगार अता फरमाइए, शब्बेदार अता फरमाइए, ऐ अल्लाह आपके दीन के दाई और आपके शहदाई अता फरमाइए, ये करीम आका बेहद कबूल फरमाइए, बेहद कबूल फरमाइए, हर बुरी नज़र से बचाइए, शरीरों की शरारत से बचाइए, फितनों के फितने से बचाइए, बदखाहों की बदी से बचाइए, अल्लाह जिहाद सित्ता से हिफाजत फरमाइए, जिहाद सित्ता से हिफाजत फरमाइए, अपना ख़ास फ़ज़ल अता फरमाइए, अपनी ख़ास हिफाजत अता फरमाइए, ऐ अल्लाह जितने भी अल्लाह दीन के इकामत की नस्बत पर कोशिशें मेहनतें हो रही हैं सबको कबूल फरमाइए, अल्लाह सब में बरकतें अता फरमाइए, सबकी हिफाजतें फरमाइए, जितने लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है अल्लाह उन सब की जायज़ मुरादों को पूरी फरमाइए, अल्लाह जिनका हक है जो मुतवक्के हैं अल्लाह उन सब के हक में भी दीन दुनिया आखिरत की बेहतरी के फैसले फरमाइए, अल्लाह हमारे
इस इदारे के जितने भी लोग जितने जिस लाइन से भी खिदमतें करते हैं अल्लाह को कबूल फरमाइए। अल्लाह दीन दुनिया आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाइए, अपनी रूह रसा नसीब फरमाइए, अपनी मोहब्बत अता फरमाइए, घर बार और कारोबार में बरकतें अता फरमाइए, सुरखुरी और सरबुलंदी अता फरमाइए, इज्जतों से नवाजिए अल्लाह, हिफाजतें फरमाइए अल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाइए अल्लाह, जितनी भी लाइन की मेहनतें हो रही हैं सबको कबूल फरमाइए अल्लाह, यहाँ आने वालों को हर एक को अपना नेक बंदा बनाइए अल्लाह, अपने चहीते बंदों में शामिल फरमाइए अल्लाह, अल्लाह आपसे टूट कर मोहब्बत करने वाला बनाइए अल्लाह, आपके दीन और शरीयत पर पूरी तरीके से अमल करने वाला बनाइए अल्लाह, आपके अहकाम पर चलने वाला बनाइए, आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाइए, आपका दीवाना बनाइए अल्लाह, आपका मस्ताना बनाइए अल्लाह, हमेशा आपके जिक्र और आपके ध्यान में सरशार हो अल्लाह, मस्त हो ऐसा बना दीजिए अल्लाह, गुनाहों से पीछा छुड़ा दीजिए अल्लाह, गुनाहों से बचा दीजिए अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी हैं हमें और सारी उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाइए, जितने शुरूर से पनाह मांगी है अल्लाह उससे हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाइए। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमईन برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله إن شاء الله في مجلس 24 7